नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वन इंडिया हिंदी में। एक तरफ पीएम मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं के लिए 8400 करोड़ में दो प्लेन खरीदे हैं, जिनमें से एक भारत आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जवान हैं जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी तक नहीं है, जो काफी हैरान करने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद सेना के जवान कह रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर हैशटैग मोदी इंजॉइंग सोल्जर्स डाइंग ट्रेंड कर रहा है। आप भी ये पूरा वीडियो गौर से सुनिए। सबके लिए बात है, ये अपने लिए थोड़े ही मुकरेगा। अपने लिए ही ना, इसको बोल रहा था, नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा ही इंडिविजुअल प्रो। एक दिन विजयपाल नगर बोला, उसको भी चुप करा। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या, यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है। तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबरदस्ती बोलने के बाद जो है उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ बगावत कर रहे हो। ये बात जो है बताने कमांडर का काम है, ठीक है? कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना जी, जानबूझ के। कमांडर नहीं बोलेगा, कमांडर को क्या जरूरत है बोलने का, वो तो नहीं बोलेगा। सेक्शन कमांडर को क्या करेगा, सेक्शन को लेकर अपने उसी साहब पांच आदमी को लेके अपना बीपी उसमें और दस आदमी जा सकता है कि नहीं, कि पूरा सेक्शन को ले चले उसी में, वहां जब रहता ही है तो। एक बड़ा ट्रक एक अलग, यहाँ जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया जाओ, मरो इसमें। ये क्या है इसमें, ये टीना पत्थर मारेगा, इस पार हो जाएगा। बहुत बेकार व्यवस्था है, पूरा गाड़ी का भाड़ा दे रखा है। अपने बुलेट प्रूफ में जाता है ओसी इंस्पेक्टर और कंपनी को टीम को बोल देता है नॉन बीपी में जाओ। बोलने के बाद बोल रहा है गाड़ी कहाँ से लाऊं, तो अरे आप व्यवस्था करो ना, आपका काम है, ड्यूटी ले जा रहे हो, हम लोग के जिंदगी के साथ खेल रहे हो, हमारे परिवारों के जिंदगी के साथ खेल रहे हो, तो व्यवस्था करो ना। यहाँ आप ड्यूटी को सुचारू रूप से चलाना आपका जिम्मेदारी है, तो आपका एडम भी कराना आपका ही जिम्मेदारी है, ना कि हमारा जिम्मेदारी है कि हम गाड़ी कहाँ से लाएंगे। गवर्नमेंट अगर ड्यूटी करा रही है हमको तो हमको गाड़ी व्यवस्था देगी। आप ऐसे हम लोग के जिंदगी के साथ जबरदस्ती खेल रहे हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इस वीडियो में कथित तौर पर एक ट्रक के भीतर बैठे कुछ जवान आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक जवान कहता है कि नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजकर हमारी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल ने इस वीडियो के साथ लिखा, हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और पीएम मोदी के लिए 8400 करोड़ के हवाई जहाज, क्या ये न्याय है? राहुल की तरफ से लगातार चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के लिए नया विमान आने से उन्हें एक और मुद्दा मिल गया। दो दिन पहले राहुल ने एक ट्वीट में कहा था कि पीएम मोदी ने अपने लिए 8400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। 30 लाख गर्म कपड़े, 60 लाख जैकेट, दस्ताने, 67 लाख 20 हजार जूते, 16 लाख 80 हजार ऑक्सीजन सिलेंडर। पीएम को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। वहीं अब इस बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।